वैश्विक स्तर पे और इसकी बहुत बड़ी पहल करी है। आज सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार की कूटनीतिक पहल को विश्व ने भी साथ दिया है और मसूद अज़हर को एक वैश्विक स्तर पर सभी दुनिया के देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। इससे उन सब संगठनों के फंडिंग से लेकर के, उन संगठनों की कार्रवाई से लेकर के, गतिविधियों से लेकर के रोकने पर एक बहुत बड़ी रोक लगेगी, और उसके साथ साथ जिन देशों के द्वारा उनको पनाह दी जा रही है उन देशों को भी पूरे विश्व के जनमत का एक संदेश जाएगा कि आतंकवाद को प्रश्रय ना दिया जाए। सर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक मजबूत नेतृत्व ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने का साहस दिखाया है, उसको वैश्विक स्तर पर भारत की उन बातों को मान्यता मिली है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि आतंकवाद दुनिया की मानवता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अपराध है, और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चली है, न केवल आतंकवादियों के ठिकानों को सरकार ने नेस्तनाबूद करने के विषय को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कूटनीतिक सफलता है कि उन्होंने चीन को भी तैयार कर लिया, और जिसका परिणाम है कि आज मसूद अजहर जैसा व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया है। ये नरेंद्र मोदी का जो लोग मजाक उड़ाते थे कि बार बार विदेश क्यों जाते हैं, उनको इसका जवाब मिल गया कि बार बार विदेश क्यों जाते हैं। चाहे उरी और पुलवामा के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने उसका बदला लिया, तो पूरे पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ, भारत के साथ खड़ी दिखाई पड़ रही थी। यहाँ तक कि जब अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना के गिरफ्त में चले गए तो लोग पूछ रहे थे कि अब क्या होगा, अभिनंदन कैसे लौट कर आएंगे। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार की कूटनीतिक सफलता। लेकिन ऐसे ही जो बलिदान होते हैं, ये बलिदान हमें ऐसे आतंकी और उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। आखिर ये उग्रवादी और आतंकी संगठनों के कारण ही हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, हमारे जवान की हत्या कर दी जाती है। और प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट संदेश और संकल्प ले रखा है कि हम देश के अंदर भी आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करेंगे, और देश के बाहर से भी यदि कोई आतंकी गतिविधि करने का प्रयास करेगा उसको भी हम खत्म करेंगे। और उसी क्रम में लगातार भारत की सरकार अपना काम भी कर रही है, और मसूद अजहर को जो वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है, ऐसे कार्रवाइयों से भी जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं उनके ऊपर बहुत गाढ़ा प्रहार हुआ है और उनको चोट पहुंचा है।